जो सरकार किसी भी राज्य में किसी पार्टी की होती है तो सभी सिस्टम उनके अधीन होता है। वहाँ कुछ कम भी आता है तो जैसा आरोप लगाया जा रहा है, रेगुलर आप देख रहे हैं, तो हाँ तो ईवीएम की बात नहीं करेंगे। ऐसा है कि अमित शाह जी कई डीएम को फोन करके धमकाएं कि भाई वहाँ सीट निकलना चाहिए। तो किसानों का मुद्दा भी वहाँ फेल कर गया, जातीय गोलबंदी हो गई, और ख़ास करके जो जाट लोगों का वहाँ कम्युनिटी है उसमें आपसी जो लड़ाई हुई उसका फायदा बीजेपी को मिला। जलेबी जिस समय पारी गई थी उसी समय कमल जो है खिल गया था, और ये अप्रत्याशित जीत जो हुई है, जो दो बार से तीन बार से एमएलए हो रहे थे उनको टिकट काटा गया 60% लोगों को और नए चेहरों को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना के चुनाव नहीं लड़ रही थी, कुछ इंडिपेंडेंट को वो मदद कर रही थी पर्दे के पीछे से। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं रही थी तो ये बात करना कि साहब उसको मेजोरिटी क्यों नहीं आ रही है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज बातचीत करेंगे हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव पे, जहां पर हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक मारी है, वहीं जम्मू कश्मीर बता दें कि भाजपा की सरकार नहीं बनी है और लगातार जो है भाजपा की तरफ से और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके तरफ से कई तरह की घोषणा की गई थी। तो क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 का इफेक्ट पड़ा है? इसके साथ हमारे साथ मेहमान है वसीम मुन्ना जो राजद के कद्दावर नेता है, वही बता दें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक है, देवीलाल सेवकदार भाजपा नेता है, वीरेंद्र राय जी किसान नेता जो जनसुराज से है, वहीं विकास किंस कवि जो गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सभी मेहमान हैं। इन सभी से जानेंगे कि क्या कारण रहा हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक मारी और जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सरकार बनाने में पीछे रह गई। क्या कुछ कहेंगे कवि? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा में पहले से भाजपा की सरकार थी, और जो सरकार किसी भी राज्य में किसी पार्टी की होती है तो सभी सिस्टम उनके अधीन होता है। वहाँ कुछ कम भी आता है तो जैसा आरोप लगाया जा रहा है, रेगुलर आप देख रहे हैं, तो हाँ तो ईवीएम की बात नहीं करेंगे। ऐसा है कि अमित शाह जी कई डीएम को फोन करके धमकाएं कि भाई वहाँ सीट निकलना चाहिए। तो सरकार जहाँ भी रहता है वहाँ सरकार का दबदबा रहता है, सरकार के अधीन प्रशासन शासन के लोग काम करते हैं, तो वहाँ हैट्रिक लग गया ऐसे बात नहीं है। अगर जनता के बदौलत छोड़ दिया था चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन हैट्रिक नहीं लग सकता था। रह गया कि जम्मू कश्मीर की बात, तो धारा 370 से सब लोग खुश हैं, सबको आज़ादी चाहिए, भगत सिंह सबके परिवार में चाहिए लेकिन अपन बेटा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ ये बात हो गया है कि वहाँ सबको आज़ादी चाहिए, जो फैसिलिटी मिला वो सबको चाहिए लेकिन तकलीफ नहीं मांगेंगे लोग। कितना भी कुछ कर दीजिए उन लोगों के कौम के लिए, वो इस देश को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा साहब कुछ भी कर दे उसके लिए, वो भाजपा को हिंदुस्तान जिंदाबाद करिए राष्ट्रगान कहने कहिए गाने के लिए तो ये लोग नहीं गाएंगे। इनको समझना चाहिए कि जिस देश की मिट्टी में पलते हैं, जिस देश की मिट्टी का खाते हैं, उस देश की मिट्टी का गुणगान करना चाहिए। आज मोदी जी है कल नहीं रहेंगे, लेकिन यह देश रहेगा तो देश के पक्ष में हमेशा खड़ा होना चाहिए। इसके लिए कभी धर्म की बात और धर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक मारी है, जम्मू कश्मीर में भाजपा पिछड़ गई? वहाँ जाट लोगों के बीच आपसी जो लड़ाई था हुड्डा और इन लोगों के बीच में, जिसके कारण बीजेपी जीत गई, कोई ऐसा मुद्दा तो था नहीं। किसानों का जहाँ तक मुद्दा था, मुझे जानकारी थी, मैं तो गया था वहाँ कई बार किसानों के आंदोलन में, तो किसानों का मुद्दा भी वहाँ फेल कर गया, जातीय गोलबंदी हो गई, और ख़ास करके जो जाट लोगों का वहाँ कम्युनिटी है उसमें आपसी जो लड़ाई हुई उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। सुबह से कांग्रेस की जलेबी बट रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मतलब 11 बजे के बाद सारा पासा पलट गया? देखिए, ये नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्र में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में जीत मिली है। आप जो जलेबी का बात करते हैं, जलेबी जिस समय पारी गई थी उसी समय कमल जो है खिल गया था, और ये अप्रत्याशित जीत जो हुई है, जो दो बार से तीन बार से एमएलए हो रहे थे उनको टिकट काटा गया 60% लोगों को और नए चेहरों को दिया गया। ये एक प्रयोग था, भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रयोग था और उसमें सफलता प्रदान हुई और हरियाणा में हम सरकार बनाए। रहा बात कश्मीर में, कश्मीर के लिए भी जो है जो जीत के हमारे उम्मीदवार आए हैं जम्मू कश्मीर से, मैं उन्हें बधाई देता हूँ नवरात्र के शुभ अवसर पर, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई देता हूँ, गृह मंत्री को भी बधाई देता हूँ कि हरियाणा की
जीत पर, और कश्मीर में अप्रत्याशी जो हमारे प्रत्याशी थे भाजपा के, उनकी जीत पर। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर साहब, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भाजपा पिछड़ गई है, वहीं हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक मार ली। देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का पोल परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना के चुनाव नहीं लड़ रही थी, कुछ इंडिपेंडेंट को वो मदद कर रही थी पर्दे के पीछे से। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, तो ये बात करना कि साहब उसको मेजोरिटी क्यों नहीं आ रही है, ये बेकार की बात है। यहाँ दूसरी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत इस रूप में मानता हूँ जम्मू और कश्मीर में, कि वहाँ जो कांग्रेस के रिजीम में जो चुनाव हुआ करते थे वो रिग्ड चुनाव थे, यानी वहाँ पर कोई निकलता ही नहीं था डर से, और बल्कि कहा तो जाता था कि जो CRPF BSF के लोग होते थे वो जाके वोट गिरा देते थे, और बहुत कम परसेंटेज 4% 5% वोट हुआ करता था। इस बार कश्मीर के लोग, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसके लिए हम जो बात जिसकी हो उकाना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ खुली छूट दी है, और वैली में सबसे बड़ी बात हुई कि लाइन लगा के लोगों ने वोट गिराया। ये बात तो तय था कि जो लोग भी जो कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके वैली के लोग हैं, वो 370 से उनका एक जुड़ाव है और प्रचार भी उसका था, तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट नहीं मिलना था। लेकिन आप लाल चौक पर अगर देखिए, लाल चौक जो विधानसभा सीट है उस पर देखिए, वहाँ भी जो जीता है वहाँ उसको जो है जो वोट आया है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को वोट आया है उसमें सिर्फ 3000 का फर्क है। यानी लाल चौक ऐसे जगह जहां भारतीय जनता पार्टी को झंडा फहराने की बात नहीं थी, वहां भी वो जो है सो ये है। तो एक तो वहां बात हो गई, इसलिए निश्चित रूप से, और जो कांग्रेस और NC का जो कॉम्बिनेशन था उसको वहाँ पर सब लोग ये बात समझ रहे थे कि ये मजबूत कॉम्बिनेशन है और वो चुनाव जीतेगी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, तो हरियाणा में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का भी वोट बैंक वहाँ पर बढ़ा है, और कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की भी सीट बढ़ी है, और सिर्फ 0.7% 8% का ही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इसलिए ये कह देना कि नहीं कांग्रेस का वहाँ सफाया हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सकते हैं, हम लोग जैसे लोग जो न्यूट्रल लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। तब हुआ है क्या, बस एक मिनट में बात अपनी ख़त्म करना चाहूँगा। वहाँ जो ये जाट लोगों की जो पार्टियाँ थी, खास करके जो इन लोग जिसको आप कहते हैं INLD जो कहते हैं, चौटाला के जो परिवार की जो पार्टी है, वो पार्टी समाप्त हो गई है। और समाप्त होने से क्या हुआ है कि जाटों का वोट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चला गया है, इसलिए जाट लैंड में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और गैर जो जाट जो वहाँ 10 वर्षों से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जाट के विरोध में उसने OBC को, आप जानते हैं जो सैनी हैं वो OBC हैं, OBC के बहुत पॉपुलर नेता हैं, तो इस तरह से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाट और गैर जाट के बीच में जो ये है उसको उसने उसका उसका उसने फ़ायदा उठाया है। और दलित वोट जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चला गया हुआ था, वो दलित वोट फिर लौटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कारण रहे हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ सीटों के मामले में वो कांग्रेस से आगे बढ़ गई है और सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे वसीम जी आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि हरियाणा में जो किसान BJP के खिलाफ थे, दलित BJP के खिलाफ थे, जवान जो है BJP के खिलाफ थे, मुसलमान खिलाफ थे, फिर भी जो है समझिए कि ये चुनाव जिस तरीके से जो है जीतने का कार्य हुआ, तो इससे साफ जाहिर होता है या तो EVM हैक है, या जो है समझिए कि जो है जिस तरीके से जो है जो EVM हैक का मामला है, इससे पहले भी जिस समय विधानसभा बिहार में हुआ था, जिस समय हम लोग आगे निकल रहे थे, बहुत समझिए अमित शाह जी जो है बिहार में जो 2 बजे दिन में पटना में आके बैठ गए और तमाम प्रशासनिक महकमा पर को जो है फोन कर करके डराने का धमकाने का कार्य किया, जिसके वजह से हम लोग को जो पीछे होना पड़ा, तो इस तरह का मामला होता है।
समझिए। अच्छा, आप लोग की आप लोग को सीट आता था ईवीएम हैक नहीं होता, आज वो लोग का आता था ईवीएम हैक हो जाता। ईवीएम हैक हुआ ही है, आप अनुमान बताइए ना, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था, जो जिस तरीके से बताए ना, किसान विरोधी, किसान बीजेपी के खिलाफ गए हैं समझिए, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ दिए हैं, दलित बीजेपी के, जो युवक बेरोजगार है वो बीजेपी के खिलाफ जो है गए हैं, तो फिर किस तरीके से वहां उनकी जीत हो जाएगी। लगा दिए हैं कवि जी, क्या कुछ कहेंगे, कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करवा रही सरकार। ईवीएम हैक नहीं, वो तो देखिए ये सब जब है सरकार बन गया वहाँ हैक मतलब नहीं हुआ है, जहाँ नहीं बना वहाँ हैक हो गया है, हमको उतना नहीं, हम ये चूँकि भाजपा की सरकार तो हरियाणा में बन गई है और हम जिस मुद्दा से आंदोलन करते हैं तो बिहार मैंने हरियाणा में 3000 वृद्धा विधवा दिव्यांगों को पेंशन दिया जा रहा है, हम यही कहेंगे कि आपकी सरकार हरियाणा में है तो उतना पेंशन है, बिहार में भी आप सरकार में हैं, बिहार के भी वृद्धा विधवा दिव्यांगों को कम से कम 2500 रुपया पेंशन दीजिए, आपकी सरकार आपको मुबारक हो, और बिहार के गरीब दुखिया बेसहारा बुजुर्गों का दर्द को आप समझिए। हरियाणा चुनाव के बाद क्या बिहार में भी चुनाव होना है, दिल्ली में होना है, क्या उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र जी? निश्चित रूप से इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो चौटाला जी की जो पार्टी थी, देवीलाल जी का जो पार्टी था, लंबे समय से जाटों की राजनीति करता था और जाटों में जो बड़ी फूट हुई और चौटाला की जो पार्टी ख़त्म हो गई, उनका देवीलाल जी का पोता तक हार गया, उनके परिवार के एक लोग भी नहीं जीते, 15-20 लोग उनके परिवार से सिर्फ जीतते थे, जाट लोग जहाँ जाटों की बस्ती थी वहाँ, तो जाटों के कारण जो आपसी लड़ाई थी और प्रति लंबे समय से देवीलाल जी जाट के नेता थे पूरे देश में, बिहार में इसका क्या, बिहार में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, लगातार राजा दलाल बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन लोग का सरकार मतलब आप लोग को बनता था, ईवीएम आप लोग हैक करवा लेते हैं। देखिए विपक्ष का काम है, समझ गए कि नहीं, विरोध में बोलना है ना, उसका कोई माने मतलब नहीं है। हरियाणा की तरह हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे और बहुमत से बनाएंगे, इसमें कहीं दूर आए नहीं है। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते चल चुका है, लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे, वो अब राजनीति में होने वाला भी नहीं है। यहाँ भी बिहार की भी धरती, गठबंधन रहे चाहे ना रहे, भारतीय जनता पार्टी में इतना कुवत है, अनुशासन है, संगठन है, जो अकेले अब चुनाव लड़के बिहार सरकार में, बिहार में वह सरकार बनाएगी। अकेले चुनाव लड़ेंगे ये, अगर कोई गठबंधन में नहीं आया, अब कोई 120 सीट मांग रहा है, 140 सीट मांग रहा है तो थोड़े मिल जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जिला में अपना उनका संगठन है, अपना महत्व है और अपना उनका कार्यकर्ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो सरकार बनाएगी बिहार। तो बड़ी बात कह दी, अकेले चुनाव लड़ेंगे भाजपा बिहार में खास करके, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, एक तरफ कह रहे कि भाजपा अकेले सरकार बनाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरा तरफ ईवीएम है जो राजद वाले आरोप लगा। देखिए बिहार की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है, मास लीडर नहीं है, इसलिए इनको सहारा लेना पड़ता है नीतीश कुमार का। और उधर राष्ट्रीय जनता दल है, वो भी समझ चुकी है कि हम अकेले बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं, तेजस्वी भी बूढ़े हो जाएंगे और तेजस्वी के पुत्र भी जो हैं नहीं बना पाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार की जो बिहार में टमाटर वाली स्थिति जो बनी हुई है, जिस तरह से टमाटर किसी सब्जी में डाल देने पर टमाटर का अपना कोई स्वाद नहीं होता है लेकिन सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है, वही स्थिति नीतीश कुमार की है। बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई चारा नहीं है, नीतीश कुमार आज महागठबंधन में चले जाए, जिसके लिए पलक पावड़ा बैठा के तेजस्वी यादव आज भी जो है सो और लालू यादव जी बैठे हुए हैं, आज भी चले जाएँ तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा यहाँ पर और सीधे महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसलिए लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं चिंतित हूँ कांग्रेस के लिए कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का सीट नहीं दिखाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सिर्फ 90 सीट जितना, ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जब एक गठबंधन हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि कांग्रेस वहाँ ज़्यादा सीट जीतेगी और कांग्रेस इस पोजीशन में रहेगी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अंकुश लगा के रखेगी, वो नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जैसे लोग चिंतित हैं कि आखिर कांग्रेस का जम्मू कश्मीर से क्यों सफाया हो गया है।
बिल्कुल, तो देखिए कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट अब क्लियर हो गया है। हालांकि अब दिल्ली और बिहार की भी बारी है, तो देखना होगा क्या होता है बिहार में खास करके, क्योंकि बिहार जिस प्रकार से बिहार में राजनीति देखने को मिल रहा है, नया पार्टी का भी विस्तार हो गया है और राजद, जदयू, बीजेपी, ये तीन पार्टी पहले से बिहार में जो है सत्ता में यानी कि काबिज होने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को मजबूत करने को लेकर देखिए कि भाजपा ने भी कमर कस चुकी है। वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता को क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी अब जो है क्षेत्र में उतर चुकी है और लगातार विभिन्न जिला में कार्यकर्ता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तब देखना होगा 2025 में क्या होता है और 25 में किसका पलड़ा भारी होता है और किसकी सरकार बन पाती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।